मुद मंगल में सन समाज सृजनों श्रद्धा मूर्ति देवी है। हर मनुष्य दुखी है और वह दुख से बचना चाहता है। जो कुछ भी आदमी करता है, कुछ भी करे, अच्छा करे गलत करे, सबके मूल में होता है दुख से बचना और सुख पाना। किसी भी मनुष्य को दुख पसंद नहीं है, दुख से वह बचना चाहता है, सुख का ही अनुभव करना चाहता है। लेकिन जीवन में होता क्या है, जिस सुख को आदमी रात दिन जप रहा है वह सुख मिलता नहीं है। जिस दुख से आदमी रात दिन बचना चाहता है वह दुख रोज सामने खड़ा रहता है। कारण क्या है, इसमें दोष किसका है? हम दुख से बचना चाहते हैं लेकिन दुख सामने खड़ा रहता है, दूर नहीं होता। सुख पाना चाहते हैं लेकिन सुख दूर दूर रहता है, उसका अनुभव नहीं होता। कारण क्या है? क्या कोई दूसरा कारण है? क्या कोई भगवान हमें दुख दे रहा है या शैतान दुख दे रहा है? कौन दुख दे रहा है हमें? किस कारण से हम दुखी हैं? वैसे हर आदमी की मान्यता यही है कि मैं दूसरों के कारण दुखी हूं। कोई कहता है कि मैं पत्नी के कारण दुखी हूं, महिलाएं कहती है कि हम पति के कारण दुखी हैं, कोई कहता है कि हम माता पिता के कारण दुखी हैं, कोई कहता है हम पुत्र के कारण दुखी हैं, कोई कहता हम पड़ोसी के कारण दुखी हैं। सच यह है कि कोई किसी के कारण दुखी नहीं है, आदमी दुखी है स्वयं अपने कारण। कोई दूसरा हमें दुख नहीं देता है, हर आदमी अपने आप को दुख दे रहा है। लेकिन इसको स्वीकार करना मुश्किल और इसको समझ पाना मुश्किल, क्योंकि हमारी मान्यता गलत, हमारी समझ गलत, अपेक्षाएं हमारी इतनी ज्यादा है और उन अपेक्षाओं को हम पूरा करने में रात दिन इतने लगे हुए हैं कि दूसरे आदमी को अपनी अपेक्षा के अनुसार ढालना चाहते हैं। दुख का कारण यही है। किसी से अपेक्षा न रखें, अपना काम करें। जो आदमी जहां है जैसी उसकी योग्यता है उस ढंग से काम करे, अपेक्षा न रखे, निष्काम रहे और जो मिल जाए उसमें सब समय संतुष्ट रहे, फिर दुख का अनुभव नहीं होगा। संपत्ति से, प्रतिष्ठा से, बड़ी विद्वता से, बड़े पद से सुख नहीं मिलता और इनसे दुख दूर नहीं होता है। समझ सही हो तो हर जगह हर स्थिति में आप सुखी हो सकते हैं। कोई आपका अपमान कर सकता है, कोई आपको गाली दे सकता है, कोई आपको नुकसान कर सकता है, कोई आपसे विरोध कर सकता है, ये सब होगा जीवन में। आप कहेंगे कि यही दुख का कारण है, ये दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण है आपकी और हमारी मान्यता। हम ये समझते हैं कि हर आदमी मुझे हर समय अच्छा कहे,
हर आदमी मेरे मन के अनुकूल काम करे, कोई मेरे प्रतिकूल काम न करे। मैं जब चाहूं जैसा चाहूं उस समय वही काम हो, ये जो मान्यता है आदमी की, यह जो अपेक्षा है, यही मान्यता और अपेक्षा उसके दुख का कारण है। हर आदमी के पास मन है, जैसे हमारे पास मन, वैसे हर आदमी के पास मन, और हर आदमी अपने मन के अनुसार काम करता है। हम चाहते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो अपने मन के अनुसार काम न करे, मेरे मन के अनुसार काम करे। अब मेरे मन के अनुसार काम नहीं हुआ, मैं दुखी हो गया। दुख का कारण यह है। पति चाहता है कि पत्नी सब कुछ मेरे मन के अनुकूल ही करे, एक नक्शा बना लेता है। आदमी एक फ्रेम तैयार कर लेता है और उस फ्रेम में ही पत्नी को बैठाना चाहता है। चाहे फ्रेम बड़ा हो गया तो पत्नी बढ़ जाए, अब फ्रेम छोटा तो पत्नी छोटी हो जाए। पत्नी ये चाहती, पत्नी भी फ्रेम बनाई हुई है, उसी फ्रेम में पति को बैठाना चाहती है। पति की अपनी मान्यता है, पत्नी की अपनी मान्यता है। पति पत्नी से अपेक्षा करता है कि पत्नी हर समय हर काम मेरे मन के अनुकूल कहे करे और हर बात मेरे मन के अनुकूल कहे। लेकिन पत्नी ये सब के सब कैसा कर सकती है? पत्नी चाहती है कि पति हर समय मेरे मन के अनुकूल काम करे और कोई बात ऐसी ना कहे जो मेरे मन के विरुद्ध हो। तो पति ऐसा कैसे कर सकता है? यही बात माता पिता चाहते हैं कि पुत्र हमारे मन के अनुकूल काम करे, पुत्र चाहता है कि माता पिता मेरे मन के अनुकूल काम करे, तो संभव कहते हैं। बस दुख शुरू हो जाता है। अपने मन के अनुसार दूसरों को गढ़ना बंद करें। हम हर आदमी को अपने मन के अनुसार से गढ़ना चाहते हैं। अब जो वो आदमी वैसा बनने को तैयार नहीं होता तो हम मान लेते हैं हमारा विरोधी है, बस दुख शुरू हो गया। किसी को अपने मन के अनुसार मत गढ़ो। जो आदमी जैसा है उसको उसी प्रकार स्वीकार करो। पहले आप सामने वाले आदमी को प्रेम देना शुरू करें। शिकायत तो यही है, माता पिता की शिकायत है कि बच्चे बात नहीं मानते, हमारी आज्ञा नहीं मानते, हमसे प्रेम नहीं करते, हमसे ठीक प्रेम से बात नहीं करते। बच्चों की शिकायत है कि माता पिता हमसे प्रेम से बात नहीं करते, हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करते, हम पर ध्यान नहीं देते। पति की शिकायत है कि पत्नी जैसा चाहिए वैसे मुझे प्रेम नहीं करती है, मेरी सेवा नहीं करती, मेरी आज्ञा नहीं मानती है। पत्नी सोचती है कि पति जैसा चाहिए पति वैसा मुझे प्रेम नहीं करता है, मेरी जो आवश्यकताएं हैं उसे पूरा नहीं करता है। हर आदमी दूसरे को देख रहा है। हर आदमी शिकायत है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे प्रेम नहीं करता है। पहले अपना प्रेम करना शुरू करो। प्रेम करना शुरू करेंगे अब प्रेम देते चलिए। किसी ने आपकी बुराई कर दी, किसी ने आपको गाली दे दी, किसी ने आपका अपमान कर दिया, उससे भी प्रेम करो। जो आपके अनुकूल काम करता है, आपसे प्रेम करता है, आपसे को सम्मान देता है, आपसे मीठी मीठी बात करते हैं, उससे तो आप प्रेम करेंगे ही करेंगे। सुखी रहने का रास्ता है, जो आपको गाली देता है, आपकी निंदा करता है, आपका अपमान करता है, आपका विरोध करता है, उससे भी प्रेम करो। प्रेम को आप अपना स्वभाव बना लो। उससे जो आपका अपमान करता है उसका आप सम्मान करो, जो आपको गाली देता है उसकी आप प्रशंसा करो, जो आपका विरोध करता है उसकी आप भलाई चाहो। देखेंगे कि आपके मन में आनंद की धारा हर समय बहती रहेगी, दुख का अनुभव नहीं होगा। लेकिन किसी ने हमें आधी जवान कुछ कह दिया, हमारा गाल फूल गया, हमने मान लिया कि सामने वाला व्यक्ति मेरा विरोधी है, ये मेरा अपमान, ये हर समय मेरा अपमान ही करता है,
अब हर समय हम उसको विरोधी की दृष्टि से ही देखेंगे। उन्होंने किसी कारण से कभी हमें कुछ कटु बात कह दी है, अब कटु बात कहने के पश्चात वो पश्चाताप भी किया होगा। अब उसके मन में हमारे लिए कड़वाहट नहीं है, लेकिन हमारे मन में नक्शा बना हुआ है कि ये आदमी मेरा विरोधी है। अब हर समय उसको उसी दृष्टि से देखेंगे, और जब जब उसकी याद होगी या जब जब वो व्यक्ति सामने पड़ेगा, हमारे मन का विरोध खड़ा हो जाएगा, कहेंगे हमारा आदमी दुश्मन है, हम सुंदर व्यवहार नहीं कर पाएंगे उससे। हमारा मन दुख से भर जाएगा, कड़वाहट से भर जाएगा। उस आदमी कारण दुख नहीं हो रहा है, उसके लिए हमारे मन में जो कड़वाहट है, उसके लिए हमारे मन में जो विरोध है, दुख वहां से हो रहा है। उस कड़वाहट को बंद कर लीजिए, मिठास से भर लीजिए। क्रोध है उसके प्रति मन में, उसको क्षमा से भर लीजिए, दुख खत्म हो जाएगा। और यही हम लोग नहीं कर पाते। आत्मा और परमात्मा की ऊंची ऊंची बात कर लेना तो बड़ा सरल है, स्वर्ग और नरक की बात कर लेना बड़ा सरल है, मंदिर में जाकर के किसी देवी देवता की मूर्ति रखी उसकी पूजा कर लेना सरल है, स्नान किए एक लोटा पानी उठाए सूरज के साथ खड़ा होकर पानी डाल लिए, कौन मेहनत लगती है इसमें? ये सब आप करना चाहते हो करो, उसके लिए रोक नहीं है उसमें, लेकिन उसमें जीवन में बदलाव नहीं होगा, दुख नहीं घटेगा। मन का जो नक्शा बना रखे हैं, मन एक नक्शा गढ़ रखे हैं, उस नक्शा को पहले खत्म करिए। और ये समझें कि मेरे ऊपर हर आदमी की कृपा बरस रही है, हर आदमी मेरे लिए अच्छा विचार रखता है, हर आदमी मेरे लिए अच्छा ही सोचता है, हर आदमी मेरे लिए सहायता करने को तैयार है। ये भावना रखें, सामने वाला अलग क्या सोचता है उसकी चिंता मत करें। सोचिए आप ऐसा, दूसरे आदमी के गुणों को देखते रहिए, फिर लगेगा कि हर आदमी मुझे प्रेम करता है, हर आदमी में दोष होता है, हर आदमी में गुण होते हैं, गुण और दोष हर आदमी में, कोई ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसमें कोई ना कोई दोष आप ढूंढ ना निकाले। अच्छे से अच्छे आदमी में भी आदमी दोष निकाल लेता है, बुराई निकाल लेता है, चींटी जहां भी जाएगी बिल ढूंढ लेती है। अब कोई आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई ना कोई अच्छाई ना हो, कोई ना कोई गुण ना हो। आदमी की जो दृष्टि है समान रूप से वो दोष देखने की है, गुण देखने की दृष्टि नहीं है, दोष देखने की दृष्टि है। किसी ने आकर हमसे कहा कि अमुक आदमी, गांव का अमुक आदमी बड़ा सज्जन आदमी है, बड़ा ईमानदार है, बड़ा सेवा परायण है, बड़ा परोपकारी है, दो चार बात उसकी प्रशंसा की, हम उसकी बात सुनते हैं, हाँ हाँ ऐसा तो है, लेकिन उस आदमी में ये गलती है, बस हमारा स्वभाव हो गया है। आदमी का स्वभाव है दूसरे की प्रशंसा को वो सुन नहीं पाता है, दूसरे की प्रशंसा सुन करके आदमी का मन बेचैन हो जाता है, दुख से भर जाता है। ये कमजोरी जब तक दूर नहीं होगी दुख से नहीं बचा जा सकता है। मैं कह रहा था कि हर आदमी में दोष है और हर आदमी में गुण है, दृष्टि किधर है हमारी, जैसी दृष्टि होगी हमारी वही दिखाई पड़ेगा। दोष भी दिखाई पड़ता है आदमी को, गुण भी दिखाई पड़ता है। यदि आप दोष देखना चाहते हैं तो उसका भी उपाय है, गुण देखना चाहते हैं उसका भी उपाय है। दोष देख करके भी आप सुखी रह सकते हैं, गुण देखकर भी आप सुखी रह सकते हैं, लेकिन कैसे ये सोचना होगा। गुण देख करके भी आप दुखी हो सकते हैं, दोष देख करके भी आप सुखी हो सकते हैं, कैसे ये सोचना है। सुधार करना है कैसे, सुखी रहने का रास्ता क्या है। आप दोष देखना चाहते हैं ना, दोष देखिए, मैं मना नहीं करता, खूब दोष देखिए। गुण देखना चाहते हैं गुण भी देखिए, लेकिन रास्ता बदल दीजिए थोड़ा,
दोष देखना है तो अपना दोष देखो कि मुझ में क्या क्या दोष है, मुझ में क्या क्या बुराई है। गुण देखना है तो सामने वाले व्यक्ति का गुण देखो कि उसमें क्या क्या गुण है। सदैव दोष देखना हो तो अपना दोष देखो, गुण देखना हो तो सामने वाले का गुण देखो। जीवन बदल जाएगा, फिर जीवन दुख का अनुभव कभी नहीं होगा। हम करते क्या है, गुण देखते हैं अपना, दोष देखते हैं दूसरे का। जीवन कंटकाकीर्ण हो जाएगा, दुख से भर जाएगा और लगेगा कि हर आदमी मेरा विरोधी है, हर आदमी मेरी ईर्ष्या करता है, हर आदमी मुझे बुराई मेरी बुराई चाहता है। कड़वाहट से मन भरा रहेगा। जिस किसी का आप दोष देखेंगे बराबर, कोई हो, माता पिता हो, बराबर आप माता पिता के दोष देखते रहें, बराबर आप पत्नी का दोष देखते रहें, पति का दोष देखते रहें, सास का दोष देखें, बहू का दोष देखें, लड़के का गुण देखें, जिसके प्रति आप दोष देखेंगे बराबर, उसके प्रति आपके मन में हर समय क्रोध बना रहेगा। लगेगा कि आदमी मेरा बैरी है। और जिसके आप गुण देखते हैं, माता पिता, पुत्र, पति पत्नी, सास बहू, भाई, पड़ोसी, जिसके प्रति आप गुण देखेंगे, उसके लिए आपके मन में प्रेम बहता रहेगा। लगेगा कि वो आदमी मेरा मित्र है, मेरा सहयोगी है, मुझे सुख पहुंचाने वाला है, सारी कड़वाहट गायब, मन कोमलता से भरा रहेगा। ये काम नहीं हो पाता है। राम रहीम कह लेना, गुरु पीर कह देना, ज्ञान की बात झाड़ लेना, ये तो बड़ा सरल है, लेकिन अपने दोषों को देख करके उन्हें निकालने के लिए प्रयत्न करना और दूसरे के गुणों को देख करके उन्हें ग्रहण करने के लिए प्रयत्न करना, यही कठिन है और यही है अगली भजन। और जब तक ये भजन नहीं होगा, सुधार नहीं हो सकता जीवन में कभी भी। सुख पाने का रास्ता बड़ा सरल है, लेकिन हम इस रास्ते पर चलना नहीं चाहते हैं, उल्टा रास्ता हम जा रहे हैं। जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता दुख से भरा रास्ता है। तो अपेक्षाएं ना पाले, मन में एक नक्शा ना बनाए। नक्शा बनाएंगे तो दुख तो होगा ही होगा। तो अपेक्षाएं ना पाले और समझ को सही रखें। ये समझ लें, ठीक है, मैं कोई गलत काम नहीं करता, मुझे चिंता किस बात की, मेरे लिए कोई जैसा कहना चाहे कहता रहे। मैं गलत करूंगा तब मैं गलत होऊंगा। कोई मुझे गलत कह दे, कोई मुझे चोर कह दे, तो उसके चोर कहने से मैं चोर नहीं हो जाऊंगा। कोई मुझे पापी कह दे, तो उसके कहने से मैं पापी नहीं हो जाऊंगा। मैं चोर तब बनूंगा जब मैं चोरी करूंगा। मैं पापी तब होऊंगा जब मैं पाप करूंगा। मैं पाप करता नहीं, चोरी करता नहीं, मुझे चिंता क्या है। ऐसी भावना रख लें। फिर ये समझ ले, जिसकी जो मर्जी हो उसे कहने दो, दूसरा हमारे बारे में क्या कहता है, इसकी चिंता जितनी करेंगे उतना दुख का अनुभव होगा। दुनिया के सभी संत, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे हजरत मोहम्मद हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे सुकरात हो, चाहे लाओज्जे हो, चाहे कन्फ्यूशियस हो, चाहे कबीर हो, चाहे दयानंद और विवेकानंद हो, चाहे अन्य और कोई हो, जितने महान संत हुए हैं दुनिया में, उन्होंने ये कभी परवाह नहीं की कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। वे केवल अपना काम करते चले। अपने जीवन को महकाया उन्होंने, अपने जीवन के जो दोष हैं उनको दूर करने के लिए तप किया, तपस्या की आग में अपने को तपाया। जैसे सोना को जब आग में तपाया जाता है तब उसका मैल दूर होता है और सोने में निखार आ जाती है, चमक आ जाती है। ऐसे ही जब आदमी अपने को साधना में तपाता है, साधना का मतलब घर बार छोड़कर कहीं भाग जान चले जाना, या खुली धूप में बैठ जाना, या मैं कपड़ा ना पहनना, नंगे रहना, भूखो रहना, ये साधना नहीं है। साधना है अपने आप को निरंतर कसते रहना, अपने गुण दोषों की परख करके दोषों को निकालते रहना।
धीरे 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 धीरे, रोज नहीं होगा, ये एक बारगी नहीं होगा, रोज करते चले, रोज करते चले। अब रोज करते चलेंगे तब धीरे 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 जीवन में परिवर्तन आएगा। जो महापुरुष हुए हैं वो एक दिन में महापुरुष नहीं हो गए, धीरे धीरे उन्होंने पाया वे भी हमारे जैसे समान इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपनी दृष्टि दूसरों तरफ हटाकर अपनी ओर कर ली, अपने दोषों को निकालने में वे लग गए, ऊपर उठ गए, महापुरुष हो गए। फिर उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, वे काम करते गए करते गए करते गए, जिनको अच्छा लगा उनके साथ जुड़े, जिनको बुरा अच्छा नहीं लगा उनके उनके विरोधी बन गए। कितने ऐसे महापुरुष हुए हैं जो एकदम दूध के धोए, निर्मल जीवन, निष्पाप जीवन, लेकिन उनको बुरा कहने वाले, गलत कहने वाले, उनकी भयंकर निंदा करने वाले उनके जमाने में उनके सामने ही रहे हैं, उनको बदनाम करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया गया, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। हम थोड़े में विचलित हो जाते हैं, कुछ कह दिया हमें किसी ने, हम विचलित हो गए। और कहीं जिन्हें हम अपना मानते हैं, वे अपना मानने वाले कुछ कह दे, तब तो फिर कहना क्या। आदमी का दिल इतना दुख जाता है कि हर समय एकदम फोड़ा बना रहता है, जहां से केवल दर्द ही निकलता है। रास्ते रास्ते आप जा रहे हो, रास्ते में किसी ने आपको कुछ गाली दे दी, कुछ कटु बात कह दी, आपको कोई तकलीफ खास नहीं होगी, थोड़ा मन में बुरा तो लगेगा, इन्होंने मुझे बेमतलब गाली दे दी, बिना मतलब मुझे कटु बात कही, थोड़ा सा मन हो सकता है, लेकिन ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आपका बेटा आपको आधी जबान कह दे, तो आपकी बहू कुछ कह दे, तब इतना लगेगा कि एकदम भोजन आपको जहर तरीके लगेगा, घर लगेगा कि अब मैं छोड़कर चला जाऊं। लेकिन ये समझ लें, जिनको आप अपना कहते हैं वहां से भी विरोध मिल सकता है और मिलता है, ज्यादा दुख तो वही होता है, सहन वही करना पड़ेगा, दूसरे घर सहन नहीं करना पड़ेगा। जिस घर में आप रहते हैं आपको निरंतर वही सहन करना है, पत्नी का सहन करना है, पति का सहन करना है, सास का सहन करना है, बहू का सहन करना है, माता पिता का सहन करना है, बेटे का सहन करना है, भाई बड़े भाई का, छोटे भाई का, सबका सहन करना है। जिन्हें बड़ा कहते हैं उनका भी सहना है, छोटा कहते हैं उनका भी सहना है, और सहन करके ही आप अपने घर में सुख पूर्वक रह सकते हैं और लोगों को निभा सकते हैं। और जिसमें जितनी वजनदारी होगी वो उतना सहनशील होगा। आप गंभीर बनना पड़ेगा। पिता ने कुछ कह दिया, पुत्र एकदम क्रोध में आ गया, पुत्र ने कुछ कह दिया, पिता क्रोध में आ गया, तो क्रोध से क्रोध बढ़ेगा। साथ ने कुछ कहा, बहू ने बहु क्रोध में आ गई, बहू ने कुछ कहा, सात क्रोध में आ गई, तो क्या होगा, कला तो बढ़ना है, क्रोध से क्रोध बढ़ेगा। आग से आग कभी बुझती नहीं है, बैर से बैर शांत नहीं होता, घृणा से घृणा शांत नहीं होती, किंतु प्रेम से बैर शांत होता है, प्रेम से घृणा शांत होती है। आग बुझाना है तो और आग न बढ़ाओ, उसमें तेल न डालो, लकड़ी न डालो, कंडा न डालो, आग बुझाना है तो उसमें पानी डालो, धूल डाल दो, आग बुझ जाएगी। हम क्या करते हैं, आग बुझाना भी चाहते हैं उसमें थोड़ा सा मिट्टी तेल डाल देते हैं। पत्नी तो क्रोध में है, पति का क्रोध दुगुना हो गया, पत्नी होकर ये क्रोध करती है। पुत्र तो क्रोध में है, पिता को भी क्रोध आ गया, मामला सुलझेगा कैसे। सामने वाला व्यक्ति क्रोध में है, आप शांत रहें, सहन करें, एकदम कोई बोले ना, बोले भी तो मिठास से बोले, सामने वाले व्यक्ति का क्रोध दूर हो जाएगा। आप सब जानते हैं, अधिकतम लोग यहाँ किसान बैठे हुए हैं,
और आपका अनुभव होगा, गरम लोहा को काटने के लिए ठंडे लोहे की आवश्यकता होती है। आप गरम लोहा को गरम लोहा से कभी नहीं काट सकते, काट करके देख लीजिए नहीं कटेगा। गरम लोहा को काटना है तो सदैव आपको ठंडे लोहे की आवश्यकता पड़ेगी। तो गरम लोहा को ठंडे लोहा से ही काटा जा सकता है। सामने वाला व्यक्ति तो गरम है, हम भी गरम हो गए, तो दो गर्मी बढ़ेगी मिलेगी तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। सामने वाला व्यक्ति गरम है, एक शीतल हो जाए, कब तक वो जलेगी आग? आग तब तक जलती है जब तक उसे ईंधन मिलता रहता है। ईंधन नहीं मिलेगा, आग बुझ जाएगी। आप शांत रहेंगे, सामने वाले व्यक्ति को भी सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा कह रहा हूं, अब वो चुपचाप पड़ा हुआ है, चुपचाप बैठा है, मुस्कुरा कर बात कर रहा है, कुछ देर में वो भी शांत हो जाएगा। लेकिन हम समझते हैं कि यदि हम शांत रह गए, सहन कर लिए, तो लोग हमें दब्बू समझेंगे, कमजोर समझेंगे, लोग हमें बलवान तब समझेंगे जब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो एक ने क्रोध किया तो हमारा क्रोध दुगुना हो गया, उसने तो थोड़े न वो तो सामने वाले थोड़े क्रोध किया और हम क्रोध में परशुराम के बाप बन गए। क्रोध दूर कैसे होगा, दुख दूर कैसे होगा, इस चीज को समझना होगा। मैं कह रहा था कि अपेक्षाएं हम जितनी ज्यादा अधिक पाल लेते हैं और सामने वाले व्यक्ति से अपने मन के अनुकूल काम करवाना चाहते हैं, दुख यहां होता है। घर घर में जो कलह है, विवाद है, मनमुटाव है, पति पत्नी में या सास बहू में या भाई भाई में बातचीत बंद है, इसलिए बंद नहीं है कोनो खाने के नहीं मिलता। सास तो दो टाइम भोजन करती है, बहू को एक टाइम ही खिलाती है, या बहू दो टाइम भोजन करती है, सास को एक टाइम खिलाती है, ऐसा इसलिए झगड़ा नहीं है। बड़ा भाई दो टाइम भोजन करता, छोटा भाई एक टाइम भोजन करता, ऐसा इसलिए झगड़ा नहीं है। झगड़ा क्यों है कि उन्होंने मेरे मन के अनुकूल काम नहीं किया, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने मेरी अवज्ञा कर दी, उन्होंने मेरा अपमान कर दिया, इस बात को ले लेकर के ज्यादा झगड़ा है, ज्यादा मनमुटाव है और बातचीत बंद है। आदमी का स्वभाव हो गया है कि किसी में जो अच्छाई है वो उसको याद नहीं करता, उसकी कोई त्रुटि हो गई है, भूल हो गई है, उसको याद करता है। जरा सोचें, पिता ने अनेक बार पुत्र को प्यार दिया है, पुत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया है, पुत्र की कई गलतियों को नजरअंदाज कर दिया, क्षमा कर दिया है, और जो बना पिता थे पुत्र के लिए करता रहा। किसी कारण से पुत्र की ही गलती देखकर पिता ने कुछ डांट दिया पुत्र को, या पुत्र ने पैसा मांगा, पिता ने पैसा नहीं दिया, अब क्या होता है? हजार बार पिता ने प्यार दिया है, पुत्र उसको भूल गया, एक बार डांट दिया पिता ने, पुत्र उसी को याद करता रहे, मुझे ऐसा डांटा था पुत्र, मेरे पिता ने। पुत्र ने हजार बार आज्ञा मांगी मानी है, हजार अनेक बार पुत्र ने पिता की सेवा की है, पिता उस बात को भूल गया, एक बार पुत्र ने पिता कटु बात कह दिया, अब पिता को कटु बात सालती रहती है। अरे भाई, हजार बार सेवा किया पुत्र ने, हजार बार प्यार दिया पिता ने, उसको क्यों याद नहीं करते हो? एक बार पिता ने डांट दिया, एक बार पुत्र ने अवज्ञा कर दी, एक बार पुत्र ने कुछ कह दिया, उसको क्यों याद करते हो? जितना याद करोगे उतना दुखी होगे। उस पुत्र ने में जो अच्छाई है, उन्होंने सेवा की है, आज्ञा मानी, उसको याद करो, उस दृष्टि से पुत्र को देखो, आपका प्यार कम नहीं होगा। पिता ने हजार बार प्यार दिया है, उसको देखो, आपकी भावना कम नहीं होगी। सास ने अनेक बार बहू को पुत्री के समान प्यार किया है, पुत्र बहू की अनेक गलतियों को सास भूल गई है, बहू उसको याद नहीं करती है। एक बार सास ने बहू को डांट दिया, अब बहू उसकी चर्चा करेगी, और जब मायके जाएगी तब यही कहेगी मेरे सास मुझे ऐसे ऐसे डांटी है, और क्या होगा? मनमुटाव होगा।
बहू ने अनेक बार माँ को सास को माँ के समान आदर दिया है, सेवा की है, सास उसको भूल गई। एक बार बहू ने कुछ कह दिया, सास का मन थोड़ा बन गया। दृष्टि ही गलत है आदमी की, हम गलत बात को पकड़ लेते हैं जल्दी और अच्छी बात को भूल जाते हैं। दुख यहां से होता है, व्यवहार यहां से बिगड़ता है और साथ साथ अपना अहंकार, मैं बड़ा हूं। हर आदमी को अपना अहंकार बड़ा प्यारा होता है, यद्यपि अनेक बार इस अहंकार के कारण से हमें ठेस लगी है, हमें ठोकर लगी है, हम दुख पाए हैं, अहंकार के कारण हमारा अनेक बार अपमान हुआ है, फिर भी हम अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमारा ये अहंकार हमें बड़ा प्यारा, झुकने को हम तैयार नहीं हैं। झुक जाऊंगा तो लोग मुझे छोटा समझेंगे, कैसे झुकूं मैं। और अनेक बार इसी बात पर तकरार होती रहती, इसी बात को लेकर के दुख बना रहता है, कौन झुके, जो झुके वो छोटा माना जाएगा। और इसीलिए कई घर में पिता पुत्र में, पति पत्नी में, भाई भाई में बातचीत बंद। एक सज्जन कहते थे, सच्ची घटना है, एक बड़े शहर की कि साहब मेरा एक ही बेटा है, दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक दुकान में काम करते हैं, लेकिन 5-7 साल हो गए हम दोनों पिता पुत्र में बातचीत बिल्कुल बंद है। मुझे पुत्र से कुछ कहना होता है, कुछ बताना होता है तो एक कागज पर लिखता हूं, और बेटा जब नहीं रहता तो उसे कमरे में जाकर उसके टेबल पर दबा देता हूं। और बेटे को जब मुझे कुछ कहना होता है तो वो भी कागज पर लिखता है, और जब मैं नहीं रहता हूं तब तो आकर के मेरे बिस्तर पर रख देता है। इस प्रकार से बातचीत होती है, दोनों का अहंकार, कौन झुके, पिता का अपना अहंकार, पुत्र का अपना अहंकार। रह रहे हैं एक ही मकान में, दुकान करते हैं एक ही दुकान में, अब बातचीत बिल्कुल बंद। नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, दुख दूर हो सकता है, किसी का अहंकार कम नहीं होना है। क्योंकि मैं झुक गया पहले, पहले मैं बोलना शुरू कर दिया तो मैं छोटा हो जाऊंगा, और मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, पिता सोचता है मैं पिता हूं, मैंने पैदा किया है, मैं बेटे के सामने झुकूं लोग क्या काम कहेंगे, अहंकार। पुत्र सोचता है अरे पिता तो अनपढ़ आदमी है, मैं पढ़ा लिखा इतना योग्य आदमी की युवक हूं, अंग्रेजी पास हूं, मैं कैसे झुकूंगा, पिता अनपढ़ आदमी सामने झुक जाऊंगा लोग मुझे क्या समझेंगे। पुत्र का अपना अहंकार, ये अहंकार दुख का कारण, ये अहंकार झगड़े और कलह का कारण, और यही अहंकार में पति पत्नी भाई भाई में बातचीत बंद। एक लेखक ने लिखा है, घर घर में कुछ न कुछ तो कलह होता रहता, थोड़ा बहुत कलह हो जाना, पति पत्नी के बीच में कभी कभार थोड़ी बहुत नोकझोंक होना यह भी गृहस्थी का सुख माना जाता है। भाई रोज रोज मिठाई खाते हो, कभी थोड़ा सा नमकीन खा लो ना तो मिठाई का आनंद बढ़ जाता है। तो पति पत्नी में प्यार तो होता ही है, कभी कभार थोड़ा बहुत कड़वाहट होगी, थोड़ा बहुत नोक झोंक हो गया तो भी आनंद ही है, लेकिन ज्यादा बढ़ जाए तब फिर तो विवाद हो जाएगा। तो एक लेखक ने लिखा है कि एक बार कुछ ऐसा हुआ कि किसी बात को लेकर हम दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया, और झगड़ा थोड़ा बढ़ गया, बढ़ा तो बातचीत बंद हो गई, न पत्नी मुझसे बोले न पत्नी से मैं बोलूं, कौन बोले। पत्नी सोचती थी मैं क्यों बोलूं, मैं बोलूंगा बोलूं तो मैं छोटी हो जाऊंगी। पति सोचता था कि मैं क्यों बोलूं, मैं बोलूं तो मैं छोटा हो जाऊंगा, कोई बोले ना। 8-10 दिन बीत गए, पति को एक दिन सुबह सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़नी थी, आवश्यक काम से बाहर जाना था, और 6 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए 1 घंटा चलना पड़ता, स्टेशन जाना पड़ता तब वो ट्रेन मिलती, इसका मतलब 4 बजे जगते, 1 घंटा फ्रेश होने में लगेगा, 1 घंटा रास्ता में, तब 6 बजे ट्रेन पकड़ते। लेकिन 4 बजे जगे कैसे, जब आदमी 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात में सोएगा तो 4 बजे जगेगा कैसे। अब आजकल तो देहातों में हो गया है,
पहले देहात में तो लोग 8-9 बजे खा पी कर एकदम सो जाते थे, अब तो टीवी जब से आया तब से लोगों को नींद 11-12 बजे के बाद आती है। 11-12 बजे 1-1 बजे तक टीवी देख रहे हैं तो 4 बजे जगे कहते हैं। उस आदमी की भी रोज 6-7 बजे उठने की आदत, और बिना 4 बजे उठे ट्रेन पकड़ा नहीं जा सकता, घर में कोई दूसरा है नहीं, उपाय क्या है? अब पत्नी से यदि वो कहता है कि मुझे जगा दो, तो यदि पत्नी से बोले तो छोटा हो जाएगा पति, बोले कैसे? अब जाना भी जरूरी, लेकिन आदमी के पास दिमाग है ना, आदमी जब सोचता है तो दिमाग से कोई ना कोई हल निकल आता है। सोचा, उपाय सोचा, उन्होंने क्या किया, एक कागज लिया, लिखा अपनी पत्नी को, देखो जी मुझे सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़नी है, इसलिए तुम सुबह 4 बजे मुझे जगा देना। लिखा, पत्नी के बिस्तर पर रखा, सो गया, सोते नींद लग गई। पत्नी सब काम धाम करके आई सोने के लिए बिस्तर पर, देखे एक कागज पढ़ा है, पढ़ा हुआ है, उठाती है, देखती है, वाह पढ़ ली, चुपचाप वो भी सो गई। अब पति तो सोचता था कि मैंने पत्नी को तो कागज लेकर बता ही दिया, मैं 4 बजे जगाने को, तो जगा देगी, सोया रहा। सुबह जब नींद खुली पति की, देखते हैं घड़ी तो 6 बजा रही है, अब तो ट्रेन पकड़ा नहीं जा सकता, और ट्रेन दूसरी है ही नहीं, सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। बड़ा गुस्सा आया उसे अपनी पत्नी पर कि बड़ी बेहूदी है ये, कहा था 4 बजे जगाने के लिए, लेकिन जगाती भी नहीं चाहे, 4 बजे 6 बज गए, अब क्या होगा? कुनमुनाया, कुनमुना करके बिस्तर से उठा तो देखता क्या है, सिराने में कागज पड़ा हुआ, लिखा था उन्होंने, पत्नी ने लिखा था, उठो जी सुबह के 4 बज गए, और रख दिया कान के पास। तूने बोलता तो मैं तो, पति बोलता था तो क्यों बोले, पत्नी भी क्यों बोले, कोई कम थोड़े है, जैसे सांप ना तैसे नाग ना। ये अहंकार, घर घर में जो कलह है, विवाद है, मनमुटाव है, घर घर में जो नरक बना हुआ, यह अहंकार कारण है। इस अहंकार को जब तक मिटाया नहीं जाएगा, तब तक पारिवारिक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, और इतना ही नहीं, जब तक अहंकार मिटेगा नहीं, तब तक पारमार्थिक उन्नति भी नहीं हो सकती। अहंकार मिटेगा नहीं तब तक शांति नहीं आ सकती, जब तक अहंकार मिटेगा नहीं तब तक परमात्मा दर्शन नहीं होता, परमात्मा नहीं मिल सकता, जब तक अहंकार मिटेगा नहीं तब तक कल्याण और मोक्ष नहीं मिल सकता है। कुछ भी चाहे, सुख शांति कल्याण मोक्ष परमात्मा ब्रह्म कुछ भी कह लें, यदि ये सब पाना चाहते हैं तो अपने अहंकार को मारना पड़ेगा। अहंकार ही बैरियर है, और अहंकार हम लोगों को बहुत प्यारा बहुत प्यारा बहुत प्यारा, हर आदमी को अपना अहंकार सबसे प्यारा है, हर प्रकार से आदमी अपने अहंकार को पाल पोस करके रखता है, तो दुख तो आएगा ही आएगा, रास्ते में कांटे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यदि सुख से जीना है, शांति का अनुभव करना है, तो अहंकार को मिटाकर अपने मन को कोमल बनाना होगा, विनम्र बनना होगा। परिवार में आनंद की धारा बहाना चाहते हैं, पति पत्नी के बीच, सास बहू के बीच, पिता पुत्र के बीच, भाई भाई के बीच सुंदर व्यवहार रखना चाहते हैं, तो अपने अहंकार को मारें, अहंकार को गलाएं, और ये समझें कि हर आदमी मुझे प्रेम करता है, हर आदमी की दृष्टि मेरे लिए अच्छी है, हर आदमी मेरा हित चाहता है, ये विचार मन में लाएं, दूसरों का गुण देखें, जितना दूसरों का गुण देखेंगे उतना ही उसके प्रति प्रेम होगा, और जहां प्रेम होगा वहां व्यवहार अपने आप अच्छा होगा, कहना नहीं पड़ेगा। छोटे बच्चे के लिए माँ के मन में कितना प्यार होता है, कितनी ममता होती, कितना प्रेम होता है,
हर समय माँ का ध्यान उस छोटे शिशु के प्रति होता है, क्योंकि अगाध प्रेम। ऐसे ही अपने दिल को माँ का दिल बनाना होगा। किसी ने गलती किया है, अब गलती को बताना भी जरूरी है, न बताएं तो गलती आदमी करता ही जाएगा। बताना है तो कैसे बताएं? हम सदैव दूसरे की गलती को डांट कर बताते हैं। हर आदमी अपनी गलती के लिए चाहता है कि मुझसे जो गलती हुई है लोग उसे क्षमा कर दें। गलती किससे नहीं होती? कौन कह सकता है कि आज तक मुझसे कोई गलती नहीं हुई है और कभी मुझसे कोई गलती नहीं होगी? छोटी बड़ी गलती हर किसी से हो सकती है। तो हमसे गलती होती है तो हमारा दिल क्या चाहता है? हम यही चाहते हैं ना कि हमसे गलती हो गई तो हमसे जो बड़े लोग हैं वो हमें क्षमा कर दें, हमारी गलती को माफ कर दे, उसके लिए हमें डांटे ना। तो यही बात दूसरा भी तो चाहता है ना, उसकी गलती को भी क्षमा करो। लेकिन नहीं, हम क्या सोचते हैं, मेरी गलती के लिए लोग मुझे क्षमा करें और दूसरे की गलती के लिए उन लोगों को दंड मिले, बस गड़बड़ी यहां हो गया जाती है। मेरी गलती को लोग क्षमा करें, सब क्षमा कर दें, छोटे बड़े जितने हैं तो सब क्षमा कर दें, लेकिन दूसरों गलती के लिए न्याय हो और उस आदमी को दंड मिले, कभी समझौता होगा, कभी प्रेम बढ़ेगा। तो जैसे हम चाहते हैं कि हमारी गलती को लोग क्षमा करें, ऐसे दूसरा आदमी भी चाहता है उसकी गलती को भी क्षमा करो। और फिर बताना ही है तो प्रेम से बताओ। प्रेम से बताएंगे तो सामने वाला व्यक्ति समझ लेगा। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों का अच्छे तरह से अनुभव होगा, छोटा बच्चा है, किसी बात के लिए रोता है, जमीन पर लौट जाता है, हाथ पर मारता है, धूल में लौट जाता है, माँ पुचकारती है, प्यार देती है, खिलौना देती है, मिठाई देती है, दूध पिलाती है, लेकिन पता नहीं बच्चा का मन क्या है, वो रोता ही रोता है। समझाती है माँ अपने हिसाब से, फिर बच्चा नहीं मानता तो माँ चांटा लगा देती है। लेकिन माँ चांटा लगाती है उसमें बच्चे के प्रति माँ के मन में क्रोध नहीं है, उसमें भी प्यार ही है कि बच्चा सुधरे। और होता क्या, कई बार बच्चा चांटा लगाई, माँ ने चांटा लगा दी बच्चे को, बच्चा रोता भी है और देखता मुंह के, और देखता क्या है, माँ के मुंह की तरफ, अभी मुझे उठाकर गोद में बैठाएगी, क्योंकि बच्चे को पता है कि इन्हीं माँ से मुझे प्यार मिलेगा, इन्हीं माँ से मुझे दूध मिलेगा, इन्हीं माँ से मुझे भोजन मिलेगा। रोता भी है और कई बार माँ को मारता भी है, लेकिन मुंह उठाया रहता है अपना माँ के मुंह की तरफ, अभी मुझे गोद में उठाएगी। तो किसी को गलती बताना है तो माँ का दिल रख करके बताएं, चांटा लगाएं लेकिन हृदय में प्यार रख करके, तो सामने वाला व्यक्ति सुधर जाएगा, फिर कराने हो फिर विवाद नहीं होगा। तो अपने अहंकार को मारकर अपने मन में प्रेम की धारा बहाते हैं। मैंने शुरू किया था कि हर आदमी दुखी है, दुख का अनुभव हर आदमी कर रहा है, लेकिन दुख आता कहां से है इसे हम समझ नहीं पाते। हम ये मानते हैं कि दुख बाहर से आ रहा है, मैं दूसरों के कारण दुखी हूं, और हकीकत क्या है, हम दुखी हैं अपने कारण से, अपनी गलतियों के कारण से, अपने गलत स्वभाव के कारण से, अपने अहंकार के कारण से, अपनी गलत समझ के कारण से, अपनी गलत समझ, अपनी गलत क्रिया, अपने अहंकार, अपने स्वभाव, इनको हम ठीक कर ले फिर दुख है ही नहीं कहीं। सारा दुख हमारी मूर्खता का परिणाम है, हमारी नासमझी का परिणाम है। अपनी मूर्खता को दूर कर ले। साहब की साखी याद आती है, तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले गली गली कर पै। इस संसार में तुम्हारा बैरी कोई नहीं है, तुम्हारा बैरी भी कोई है तो तुम्हारी बुराइयां ही तुम्हारे बैरी हैं। अपनी इन बुराइयों को मिटा लो,
अपनी बुराइयों को दूर कर दो, फिर निश्चिंत होकर के गली गली में घूमो, कोई तुम्हारा बैरी नहीं हो, कोई तुम्हारा अहित नहीं कर सकता है। लेकिन हमारी बुराई हमें बड़ी प्यारी है, अब बहुत पाल पोस करके उसे रखते हैं और चाहते हैं हमें सुख मिले, हमें आनंद मिले, कैसे मिल सकता है। इसलिए अपने जीवन पर दृष्टिपात करें और दृष्टिपात करके स्वयं झांके कि मुझ में कहां कहां कमी है, कहां कहां मुझसे त्रुटि हो रही है, कहां मुझसे व्यवहार बिगड़ रहा है, कहां दूसरों साथ मैं ना समझी का व्यवहार कर रहा हूं, अब दूसरे मेरे लिए क्या कर रहे हैं, कितना उपकार उनके द्वारा मुझे हो रहा है, इसको याद रखें। फिर मन का अहंकार गलेगा, मन का जब अहंकार गलेगा तो हर आदमी अच्छा लगेगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, भाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। पोथियों को पढ़ते पढ़ते तो दुनिया के लोग मर मर कर चले गए, लेकिन पोथी पढ़ने वालों में तो कोई पंडित नहीं हुआ, क्योंकि इनके मन में प्रेम की धारा बहती नहीं है। पोथी ज्ञान कोरी विद्वता अहंकार का कारण बन जाती है, प्रेम सूख जाता है, और जब प्रेम सूखता है तब हर आदमी बैरी जान पड़ता है। प्रेम की गंगा बहाएं, अब तब होगा जब अपना अहंकार गलेगा, अब तब लगेगा कि हर आदमी मेरे स्वजन है, हर आदमी मेरा हितैषी, हर आदमी से मुझे प्यार मिल रहा है, हर आदमी दृष्टि मेरे लिए अच्छी है, फिर दुख खत्म हो जाएगा। और ऐसा करके ही हम सही अर्थों में सुखी हो सकते हैं। काफी देर तक आपके बीच मैंने कुछ निवेदन किया, जो मैंने निवेदन किया उन बात पर पुनः विचार करें और विचार करके अपनी जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रयास करें। सत्संग, भक्ति, सेवा, साधना का परिणाम यही है।